मध्य प्रदेश के घनसोर में मड़ाई मेले का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ी ही धूमधाम के साथ किया गया। यह मड़ाई मेले का आयोजन श्री सार्वजनिक शारदा समिति मंदिर समिति कराती आई है। इसमें आसपास के ग्रामीणों घनसोर के लोग सम्मिलित होकर इस मलाई मेले का मान सम्मान बढ़ाते हैं। मेले में पारंपरिक रूप से अहिर नृत्य का कार्यक्रम पेश किया जाता है। मां की पूजन अर्चन के बाद मलाई मेले का शुभारंभ किया जाता है, जिसमें सभी लोग मलाई मेले का जमकर लुत्फ उठाते हैं और अपनी परंपरा को जीवंत बनाए रखते हैं। मलाई मेला आयोजन बहुत ही प्राचीन परंपरा है, जिसमें आज भी लोग जीवंत बनाए हुए हैं। मलाई मेले में खेल खिलौने मिठाइयों की दुकानें सजती है। मलाई का विशेष आकर्षक झूला रहता है। घनसोर के गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। अहिर नृत्य करने वाले को विशेष पुरस्कार सम्मानित किया गया। घनसोर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम शिवदत्त नामदेव। ये जो आयोजन आपका किया जा रहा है, क्या आयोजन है और किस वजह से किया जाता है? ये मूल संस्कृति को ध्यान रखते हुए शारदा मंदिर का है, ऐसा मानना रहा है कि इस कार्यक्रम को अपन सभी लोग मिलकर इसको बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। ये खासकर नमे की मड़ई, जो कि शारदा मंदिर की पिछले 5 वर्षों से हम लोग नमे की मड़ई का आयोजन करते हैं। इसमें आसपास गांव से जो अहिरी नृत्य पार्टी आती है, इनको आमंत्रित करते हैं और ये लोग आकर इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करते हैं और इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाते हैं। मूल परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और जो चूँकि आज की आधुनिक वातावरण में यह परिवेश यह समावेश में नहीं होता है, लेकिन हम मूल परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन को करते हैं और इस आयोजन को करने में हम लोग पूर्णतः ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह रेलवे लाइन के किनारे है और इसमें पूर्ण रूप से हम लोग वॉलंटियर लगाते हैं, कार्यकर्ता लगाते हैं, ताकि सभी प्रकार की सुरक्षा हो और दूर दूर से जो दुकानदार आते हैं उनके लिए प्रतिष्ठानों के लिए जगह दी जाती है, पीने की पानी की व्यवस्था की जाती है, लाइट की व्यवस्था की जाती है और इनको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार रखे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।